हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो सो गाइज़ टूडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई न्यू स्किन केयर रूटीन यस गाइज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं न्यू ऑर्डर कर रखे हैं उनको मैंने ऐड किया है अपनी स्किन केयर रूटीन में सो so, क्या देखकर मैंने उन चीज़ों को मंगाया है उन प्रोडक्ट्स को मंगा रखा है तो वही सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें एंड गाइज मैं आप लोग के साथ मिनिमल मेकअप लुक नेचुरल मेकअप लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें डेली यूज़ में जो मेकअप कर सकते हैं वो मैं आज

शेयर करने वाली हूँ तो सेकंड मैंने ये मंगा रखा है गाइस दिस इज अ कोरियन प्रोडक्ट यस गाइस कोरियंस की आपने स्किन तो देखी होगी कितनी अच्छी होती है और जो कोरिया uh, है आप लोग को पता ही है कि प्लास्टिक सर्जरी अच्छा दिखना मेकअप इन सब चीजों के लिए फेमस है तो यस yes, मैंने मंगा रखा है और थर्ड वन इज द फेस सीरम यस मैं लोटस का फेस सीरम पहले मैंने यूज़ किया हुआ है बट वो सिर्फ मेकअप के टाइम पे मैं यूज़ करती थी बट अभी मैंने सोचा है कि एक सीरम को जो है मैं अपनी डेली स्किन के रूटीन में ऐड करूंगी क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं तो मैं आप लोग को बताऊंगी वो भी तो तब तक मैं देख रही हूं कि मेरा बेबी जो है ना उसने सारा फाउंडेशन सारा तो नहीं थोड़ा सा फाउंडेशन निकाल दिया था तो मैं मैं थी पहले स्किन केयर करूँ अपना देन उसके बाद मेकअप स्टार्ट बट मेरे बाबू ने जो है फाउंडेशन निकाल दिया था तो मुझे उसको लगाना था तो फिर मैंने अपने हाथों पर इसको लगा के देखा एंड मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा शेड जो है ना थोड़ा डार्कर है मुझे ऐसा लग रहा था मैंने जो है यहाँ पर ले रखा है मेबीलिन फिटमी का जो फाउंडेशन है वन शेड का मैंने लिया हुआ है एस पी है इसमें और 16 आवर्स ऑयल कंट्रोल है और आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से लगाया और बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, yes, guys, काफी है सुनी हुई थी, देखे, इतना ज्यादा शौक है ना मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती मुझे सबसे अच्छा लगता है ये और हाईलाइटर सबसे अच्छा लगता है सच बताऊं तो गाइस तो, ये है स्विस ब्यूटी का और सबसे ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट मतलब मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं स्विस ब्यूटी के जो भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं तो फर्स्ट टाइम मैं मेकअप फिक्सर ले रही हूं तो मैंने सोचा ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही है तो ज्यादा मैंने पैसा लगाया नहीं है इसमें काफी अफोर्डेबल रेट में ये मुझे मिल गया है और स्वीस्वी के सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे रेट में मिल जाते हैं तो मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई है इसमें और मैंने फर्स्ट जब स्प्रे किया तो अच्छे से नहीं निकला पूरा इकट्ठा हो गया था देन फिर मैंने अच्छे से स्प्रे किया तो अच्छे से निकल गया था एंड अच्छे से भी लग जा रहा था क्योंकि मैं पहले फाउंडेशन यूज़ करती थी ना तो एकदम केकी केकी और इस टाइप का हो जाता था तो मैं सोचती थी यार जो मेकअप फिक्सर होता है ना मैं लोगों का देखती थी कि वो मेकअप फिक्सर जैसे ही लगाते हैं तो उनका स्किन इतना अच्छा हो जाता है तब मैंने ये मगा रखा है गाइस तो अब आते हैं स्किन केयर रूटीन में स्किन केयर प्रोडक्ट में तो गाइस ये है कॉसरेक्स का एडवांस स्नेल नाइन्टी सिक्स म्यूस पावर एसेंस तो ये जो होता है ना वो स्नेल से मतलब निकला हुआ होता है या उसी से बना हुआ होता है मतलब कुछ तो है स्नेल का सो गाइज दैट्स वाई इसका नाम जो है वो स्नेल पे ही है स्नेल 96 सिक्स म्यूसिन पावर तो ये yes, इसका जो डब्बा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं तो जस्ट हम लोगों ने पहले टोनर अप्लाई किया था मैंने गुलाबरी का गुलाब जल लिया था गाइज सेकेंड प्रोडक्ट मैं ये यूज़ कर रही हूँ और देखो ना पंपिंग वाला है ये पंप वाला है तो पंप करके जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं और देखो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा है ये तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है ये मतलब इतना हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को एंड ऑयली स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं ऑयली स्किन वाले ज्यादातर सोचते हैं कि यार हमारा ऑयली स्किन है मॉइस्चराइजर नहीं नहीं लगाते हैं हो जाएगा बट ऐसा नहीं है क्योंकि हाइड्रेशन uh, की जरूरत स्किन को होती होती But है बट ऑयली स्किन वालों को क्या करना रहता है ना कि uh, दिन में जो है दिन में धो लिया फेस रात को धो लिया सुबह धो लिया तो दो तीन बार फेस वॉश कर लो और स्किन केयर तो करना ही है डेट्स इट इतना सा आप लोग को करना है तो आपका पिंपल्स वगैरह नहीं होगा तो गाइस मैंने काफी अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया है और नेक वाले एरिया पर भी लगा लिया है कुछ लोग होते मेकअप सिर्फ फेस

और सिर्फ मैं मेकअप के टाइम पे यूज़ करती थी बट अब मैं कि डेली स्किन के रूटीन में इसको ऐड कर लेती हूँ तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है और जो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ जैसे आप लोग इसको लेते हैं तो जरूर से पैच टेस्ट करें क्योंकि ये एक एक्टिव है और जैसे नियासनामाइट सीरम आता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और रेटिनॉल होता है वो भी काफ़ी अच्छा है जैसे जिसके पिम्पल्स वगैरह हैं वो नियासिनाइट ले ले और जैसे इसमें लिख रखा है हारोनिक सीरम में फाइनस लाइन के लिए है ये और प्लम्स एंड हाइड्रेट करता है अपनी स्किन को तो इसके लिए मैंने ये ले रखा है तो अच्छे से मैंने लगा लिया है और जैसे आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो ये नहीं कि रेगुलरली यूज कर लें पहले आप हफ्ते में दो तीन दिन लगाएं डेट सीट आप लोग देख लें कि आप लोग को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका स्किन उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कोई भी नया चीज जब आप अपनी स्किन पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको टाइम दें उसको समझने का प्रोडक्ट को समझने का तो उसके बाद ही आप लोग यूज करें तो पैच टेस्ट जरूर कर लें आप नेक एरिया पर लगा लें थोड़ा सा आए दूसरे दिन देखें कि आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रहा है है उससे तो ये सब चीज देख लें आप लोग और जिसके पिगमेंटेशन है वो लोग गाइस रेटिनॉल यूज कर सकते हैं फाइन लाइन्स है वो भी रेटिनॉल यूज कर सकते हैं तो सीरम यूज करना काफ़ी अच्छा है अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए जो नहीं कर रहे हैं एंड फोर्थ वन इज़ गाइस मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यस मैं निविया का यहाँ पर ले रही हूँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरह से मेरे स्किन में काम किया जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है वो वीडियो जरूर जाके देख लेना तो यस और ये देखिए मैं जैसे इसको लगा रही हूं ना तो अच्छे से लगानी है क्योंकि पहले से प्रोडक्ट लगे हुए हैं तो अभी ये लगानी जैसे और टाइम मैं सिर्फ टोनर के बाद यूज करती थी तो अच्छे से लग जाता था तो अभी मुझे ऐसा लगा कि हां एक लेयर है उसके बाद मैंने इसको लगाया मतलब ऐसा मुझे फील हुआ तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूं ये चीज़ और देखो मेरा स्किन कितना ज्यादा शाइनी और हाइड्रेटेड लग रहा है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार सच्ची में मुझे यस गाइस अगर आप जो भी नया प्रोडक्ट लेते हैं अपने स्किन के लिए अपने स्किन का टाइप देखें आप आपको एक होते हैं पिगमेंट होता है जैसे पोर्स वगैरह है ना उसके लिए भी रेटिनॉल अच्छा है मैं मैं बाद में मैं लूंगी ये तो अभी तो मैंने देखो जैसे न्यू प्रोडक्ट लिया ना मैंने बहुत कम कम क्वानिटी ले रखी है फिफ्टीन एम है सेवनटीन एम है क्योंकि मैं पहले देखना चाहती थी कि मेरा स्किन में सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो और जो है जैसे आप न्यू प्रोडक्ट लेते हैं ना तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लेंगे जो आप कोई न्यू प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका आप जरूर से देख लें क्योंकि देखो आप उसको धीरे धीरे से यूज करोगे मतलब एक हफ्ते में एक दिन लगाया फिर दो हफ्ते में दो दिन लगाया तो काफी ज्यादा टाइम लगता है उसको करने के लिए तो एक्सपायरी डेट एक दो साल का तो होना ही चाहिए यार कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है और मैं वही देख के लगा से यूज कर रहे हैं उसको तो हम ले सकते हैं एक साल का है छह महीने का है अपने अकॉर्डिंग कितना हम यूज कर रहे हैं कितना एमएल ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग लगा सकते हैं तो यहां पर लगा रही हूं एसपीएफ थर्टी परसेंटेज में और पहले मैं सिपला का लगाती थी, थी वो मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन है बट अभी उसका इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया गाइज और ये प्रोडक्ट जो मैंने मगा रखे ना इसके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा हाई रेंज के होने वाले मेरे लिए

जो ये फाउंडेशन है वो कैसा काम कर रहा है तो काफी अच्छा काम कर रहा था सूखने के बाद भी लग रहा था कि हाँ भाई मतलब अच्छा सा मतलब लेयर जैसा हो रहा था अच्छा लगा मुझे और मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा रही हूं। तो बहुत टाइम के बाद भी मैंने शाम को देख रही थी ना तब भी काफी अच्छा था तो मुझे मार्केट भी जाना था तो चलो सोचा मैंने आप लोगों को कि चलो मेकअप करके भी दिखा लेते हैं तो यस मैं फाउंडेशन यहाँ पे लगा रही हूँ और काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग बताओ कि ये शेड मेरे लिए परफेक्ट है क्या मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग कब से मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ

तो फ्लॉलेस हो जाती है ना अच्छे से ब्लैंड नहीं हो रखा है तो फिर मैं ब्लेंडर आई और ब्लेंडर जब भी यूज़ करते हैं ना तो पानी में एक बार डाल फिर अच्छे से निचोड़ लें एंड उसके बाद ब्लेंड करें ऐसे करोगे ना तो आपका स्किन जो है ना एकदम नेचुरल लगेगा और जो आपका मेकअप है वो एकदम नेचुरल लुक देने वाला है आप लोगों को मैंने ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से अपनी स्किन को ब्लेंड किया ब्लेंड किया जब तक मेरा फाउंडेशन अच्छे से पूरे स्किन में लग ना जाए और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस इतना नेचुरल लुक लग रहा था किसी को ये भी फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने फाउंडेशन लगा रखा है इतना नेचुरल लुक है ये मतलब मैंने और कोई चीज लगाई नहीं थी सिर्फ फाउंडेशन लगाया था और देखो मैंने कितना ज्यादा इसको ब्लेंड किया हुआ है ब्लेंड करने के बाद मैं इतना ज्यादा स्प्रे क्यों कर रही हूं फिक्सर का मुझे पता नहीं चल रहा खुद भी मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है ये दैट्स मैं इतना ज्यादा लगा रही हूँ मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा कम आ रहा है बट काफी आ रहा था अभी मैं वीडियो में देख रही हूं तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक तो कैसा लगा जरूर बताना मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा आप लोगों के लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फाइनल लुक तो मैं आप लोग को दिखाना ही भूल गई तो देखो ये है मेरा फाइनल लुक एकदम नेचुरल लग रहा है कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ये सब लगा रखा है बट फाउंडेशन लगाने के बाद अगर कॉम्पैक्ट पाउडर से जो या, है कोई भी लूज पाउडर ले लो उससे क्या होता है ना मेकअप सेट हो जाता है और काफी अच्छा भी लगता है सो गाइस दैट्स इट फॉर वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सबक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आल्स इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय बाय एंड टेक केयर